रियल बैकग्राउंड देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और इसको हम लोग एडिटिंग करके कुछ इस टाइप से बनाने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना। और भाई, इस वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि भाई, इस बैकग्राउंड को रियल बैकग्राउंड देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और इसको हम लोग एडिटिंग करके कुछ इस टाइप से बनाने वाले हैं, और टोटल ए टू जेड एडिटिंग सिखाने वाले मेरे भाई। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बात करिएगा, तभी आप कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप का बना पाओगे। तो मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ से जो रियल बैकग्राउंड है ना, ये इस बैकग्राउंड को यहाँ से शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड आ चुका है सिंपली यहाँ पे पिक्सआर्ट में। तो पहले इसको जाएंगे यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हम इसको कर लेंगे क्रॉप। तो इसको ठीक इतना क्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए कुछ इतना क्रॉप करना है। तो इसको यहाँ से हम एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इतना क्रॉप कर लेना है। आप लोग देख सकते हो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ से इसको कर लेंगे डन, और इसको थोड़ा सा और भी बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, और इतना कर लेंगे इसको डन। और सिंपली इसको यहाँ से हम कर लेंगे रोटेट, ठीक है। इसको रोटेट करने के लिए फ्लिप रोटेट पे जाएंगे, और इसको यहाँ से कर लेना है रोटेट, ठीक है मेरे भाई। तो फ्रेंड इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे रोटेट कर लेना, और सिंपली इसको यहाँ से कर लेंगे डन। और इतना होने के बाद यहाँ से जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, और सबसे पहले यहाँ से ब्लर करना है, ठीक है। आपको ब्लर करने के लिए कुछ इतना ब्लर कर लीजिएगा, और फिर इतना होने के बाद सिंपली इसको यहाँ से कर लेंगे डन। और यहाँ पे अगर आप कलर और भी देना है तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेव, और इस फोटो को ओपन कर लेंगे स्केचबुक एप्लीकेशन में। फ्रेंड देख सकते हो मेरा फोटो आ चुका है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से इम्पोर्ट इमेज पर, और जाकर एक पीएनजी को कर लेंगे सिलेक्ट। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा इस वाले पीएनजी आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से इसको ऊपर की ओर साइड ऐसे कर लेना है, ठीक है, और इसको कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है, जितना आप बड़ा यहाँ पे रखना चाहते हो। यहाँ से कर लेंगे डन, और मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से रोटेट हो गया है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा एडजस्टमेंट, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ से कर लेंगे डन। और फ्रेंड इसी का डुप्लीकेट एक बना लेना है, ठीक है, और यहाँ से जाना है ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर, सिंपली कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेना है, ठीक है। और रोटेट करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको एड